ना किसी जाति ना किसी धर्म, सिर्फ विकास करेंगे हम। यदि आपको कोई पैसा से खरीदता है तो आप जो है उसके गुलाम हो जाते हैं, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। इसी वजह से आज हवेली खड़गपुर जो है हमारा इतना पीछे है। शिक्षित युवा उम्मीदवार को आप लोग चुनिए, हवेली खड़गपुर हमारा आगे जरूर बढ़ेगा। नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं अपना मुंगेर। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, जनता की होगी सीधी भागीदारी और खड़गपुर नगर परिषद अपना जो है चेयरमैन उप चेयरमैन 9 जून को चुनने जा रही है। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है खड़गपुर में, जनता पूरी तरह से तैयार है। और मैं भी मिथिलेश यादवेंद्र अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, चेयरमैन प्रत्याशी उप चेयरमैन प्रत्याशी से मिल रहा हूं। और आज इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे साथ अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल पर खड़गपुर नगर परिषद के उप चेयरमैन प्रत्याशी रवि कुमार जी मौजूद हैं। रवि कुमार जी से मिलते हैं, उनसे सीधी बातचीत करते हैं, किस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या योजना है, क्या करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे, ये सारी बात होगी। तो रवि कुमार जी, अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल पर आपका मैं मिथिलेश यादवेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, आप हमारे पास आए हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पूरे हवेली खड़गपुर नगर वासियों को हमारे रवि कुमार उप मुख्य पार्षद के तरफ से धन्यवाद। हम मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कार्य करने को लेकर बता रहे हैं। सबसे पहला, ना किसी जाति ना किसी धर्म, सिर्फ विकास करेंगे हम, यह हमारा मुद्दा है। दूसरा, सबसे पहले यह देखना है कि हवेली खड़गपुर में जो आम आवाम को जो परेशानी हो रहा है, जो दिक्कत दे रहा है, उस पर हमारा कार्य करना सबसे पहला फोकस है। जैसे कि आज के डेट में समय रहते हुए जैसे ही गर्मी का समय आया, जैसे आ गया है, परेशानी हो गया है, हवा चलने के बाद लाइट का इतना व्यवस्था कम है कि लाइट कट जाता है। चाहे वो आज के समय में वृद्धा पेंशन हो, महिलाओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, नल जल का आपका समस्या है, नगर में सफाई का समस्या है, आपको स्टूडेंट का जो परेशानी है आज के डेट में उसको ले लीजिए, ना खेल का मैदान है, ना पार्क है, ना किसी तरह का जो है वृद्धा के लिए लोग घूमने के लिए किसी भी तरह का जो है कि पार्क वगैरह बना हुआ है, इस सभी समस्याओं को लेके। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे हॉस्पिटल को आप जाके देख सकते हैं। जी, हॉस्पिटल देखा हमने। आज के डेट में हवेली खड़गपुर नगर परिषद बन गया है, जो कि एक शहरी क्षेत्र में आता है। नगर निगम के बाद यदि किसी क्षेत्र का नाम होता है तो नगर परिषद का नाम होता है। आज नगर परिषद में आप देख लीजिए हवेली खड़गपुर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, क्या सब। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्यों नहीं हो पाया विकास आज तक खड़गपुर का? सभी जगह नगर परिषद, अगर जमालपुर नगर परिषद की बात करें और भागलपुर में जो नगर परिषद है, नगर निगम की बात, वहाँ की बात करें, विकास हुआ है वहाँ पर। खड़गपुर से मैं भी जुड़ा हूँ, लगातार यहाँ पे आता हूँ, और जो बदतर स्थिति यहाँ का, मैं एज ए मीडिया पर्सन खुद बता रहा हूँ कि है बदतर स्थिति। क्या कारण रहा, क्यों नहीं विकास हो पाया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के डेट में, इससे पहले कि मैं बात बता रहा हूँ, जो भी नगर में या पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ है वो पब्लिक वोटिंग पे नहीं हुआ, जिसके वजह से कि जो भी चेयरमैन चुन के आता था वो वार्ड को डायरेक्ट खरीद के अपना पेट भरता था। जैसे कि आपको यदि कोई पैसा से खरीदेगा, हमारा मुख्य कार्य है, यदि आपको कोई पैसा से खरीदता है तो आप जो है उसके गुलाम हो जाते हैं, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। इसी वजह से आज हवेली खड़गपुर जो है हमारा इतना पीछे है। इस पे सबसे प्रथम इस पे ध्यान देना चाहिए हम सभी युवाओं को। शिक्षित युवा उम्मीदवार को आप लोग चुनिए, हवेली खड़गपुर हमारा आगे जरूर बढ़ेगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, जनता की हो रही है सीधी भागीदारी और इससे बहुत आप खुश हैं, आपने कारण बता दिया। जी, जी। कितने प्रत्याशी हैं उप चेयरमैन के लिए? उप चेयरमैन में टोटल 12 प्रत्याशी हैं। 12 प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में रवि कुमार को ही नगर परिषद की जनता क्यों चुने, क्या खास है आप में? सबसे पहले हमें चुनने का एक सबसे बड़ा रीजन है, लोगों को जितना भी प्रत्याशी है सभी का चेहरा किसी न किसी तरीके से मार्केट में खराब। सबसे युवा उम्मीदवार रहे हम, हमारी राजनीति भी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, समाज सेवा हमारा पहले भी चल रहा है और आज के भी डेट में हमारा समाज सेवा चालू है। तो इसलिए हमें चुनने का आप लोग मौका दीजिए,
ताकत हमारे पास पहले है, बस अधिकार आप लोग देने का काम कीजिए। हम हवेली खड़गपुर की जनता से हम प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं आप लोगों को, हम अपने साथ आप लोगों के सभी का विकास के साथ। क्या क्या मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? योजना है आपका, जितना भी हवेली खड़गपुर का सड़क है A to Z देख लीजिए, यहाँ से लेके या फिर वार्ड का जो छोटा छोटा कुनवा का जो छोटी छोटी गली होती है उसकी स्थिति देख लीजिए, सर्वप्रथम उस पर कार्य किया जाएगा। दूसरा आपका जितना नहर नदी नाला है A to Z सब का सफाई किया जाएगा। तीसरा जितना भी आपका पूरे हवेली खड़गपुर में स्ट्रीट लाइट वगैरह होना चाहिए, अभी के समय में ऐसा भी जो बहुत सारा जगह है जहाँ पर लोगों के पास लाइट की उत्तम व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से आज के भी डेट में वो पिछड़ा माना जा रहा है, तो सर्वप्रथम उस पर कार्य किया जाएगा। जनता विश्वास आप पे जताती है, कैसा रहेगा 5 साल में खड़गपुर का दिशा और दशा? आज तक जितना भी हवेली खड़गपुर में कार्य हुआ उससे सबसे ज़्यादा बेहतर कार्य अगले 5 साल में ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ खड़गपुर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम हवेली खड़गपुर की जनता से बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप जब भी वोटिंग करने जाइए तो यह देखिए कि साफ छवि, युवा उम्मीदवार, शिक्षित योग्य उम्मीदवार को चुनिए। रवि कुमार, उप मुख्य पार्षद, धन्यवाद। तो ये थे जो है रवि कुमार जी, उप मुख्य पार्षद पद प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। और इसी तरह से मैं किसी और क्षेत्र में, किसी और वार्ड में, किसी और प्रत्याशी के साथ मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल अपना मुंगेर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।